अब रिवाइज रेट्स क्या करें, क्योंकि बिल जो डबल आए हैं पब्लिक में इतना बेचैनी है, ये इस तरीके से गुस्सा है पब्लिक में। तो ये जो नया रिवाइज बिलिंग जो दिए हैं, अभी नए प्राइसेस पर यूनिट के क्या है, डोमेस्टिक पर यूनिट क्या चार्ज कर रहे हैं, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर यूनिट क्या चार्ज कर रहे हैं, इतना बताइए। रीजन जो कल्याण कर्नाटक का रीजन है इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन देना चाहिए, यहाँ पे जो है सब्सिडाइज प्राइस पावर सप्लाई देना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट हेल्पलेस हो तो पब्लिक किसके पास जाए। This video presented by Bakers Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. ये जो गुलबर्गा में नए बिल्स दिए हैं, मेरे को थोड़ा इतना बता दीजिए आप कि डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए क्या हिसाब से पर यूनिट चार्जेस किए हैं, और जो पुराना HP जो मिनिमम वेटेज के किलोवाट पे जो चार्ज करते थे, अब रिवाइज रेट्स क्या करें, क्योंकि बिल जो डबल आए हैं पब्लिक में इतना बेचैनी है, ये इस तरीके से गुस्सा है पब्लिक में। कि अभी इंडस्ट्रियलिस्ट का तो जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑलरेडी एजिटेट कर रहा है, ऑलरेडी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो लोग एजिटेट कर रहे हैं, पब्लिक को ऑलरेडी डबल बिल आ गया घरों पे, पब्लिक एजिटेट कर रही है। तो ये जो नया रिवाइज्ड बिलिंग जो दिए है, ये इट हैज डायरेक्टली जंप टू डबल। नहीं, सो द रीजन ये अभी नए प्राइसेस पर यूनिट के क्या है, ये थोड़ा आप हमारे को बताइए। नहीं सर, KERC ने रिवर्स किया, हमारे पास कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बोल के एक कमीशन है जो डिसाइड करता है कि टैरिफ कितना होना चाहिए बोल के। वो एवरी ईयर उन्होंने एक ये बुलाते हैं, एक कंज्यूमर्स का अहवाल मीटिंग बोलते हैं हम लोग, वो बुला के उधर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हम गस्कॉम तरफ से भी इसका ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस बोले तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है, इसका रेवेन्यू कितना है, वो हिसाब से जो है ना वो KERC टैरिफ रिवाइज करता है। सर अभी यहाँ पे डोमेस्टिक पर यूनिट क्या चार्ज कर रहे हैं, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर यूनिट क्या चार्ज कर रहे हैं, इतना बताइए। मेरे को एक दो दिन टाइम से मैं बुकलेट ही देता हूँ आपको पूरा सर, क्योंकि ये बहुत मेजर इशू बना है। ऑलरेडी हमारा रीजन जो कल्याण कर्नाटक का रीजन है इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन देना चाहिए, यहाँ पे जो है सब्सिडाइज प्राइस पावर सप्लाई देना चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी चार्जेस बढ़ा दिए, मिनिमम चार्जेस पर HP इट वॉज टू बी 65 और 70 रुपीज, नॉट एज डायरेक्टली जम टू 180 रुपीज। अब 50 KVA HP पावर मेरे को चाहिए, मैं भले यूज करूँ ना करूँ, हैव टू पे द मनी फॉर इट। अगर 100 HP मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरे को विदाउट एनीथिंग मेरे को महीना जो है 15,000 रुपया बिल भरना पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए। चार्जेस तो ये फिक्स चार्जेस होगा, ये तो फिक्स चार्जेस जंप हो गए ना सर। वही फिक्स चार्जेस जंप, एक खाली गुलबर्गा को नहीं सर, एंटायर स्टेट में अप्लाई होता है। एंटायर स्टेट में हुआ है सर। अभी आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अभी सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, वी कांट डू एनीथिंग, गवर्नमेंट है नहीं, ऐसी बात हो रही है। नहीं वैसा नहीं सर, ये जो रेट्स है ना ये KERC फिक्स करता है। गवर्नमेंट और इट इज अबो गवर्नमेंट, नहीं गवर्नमेंट नहीं रहता है ना वैसा कैसा। बिकॉज सिद्धरामैया साहब का स्टेटमेंट ये है कि वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन डिसाइडेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक जुडिशियल बॉडी कैसा है ना वैसा एक इंडिपेंडेंट बॉडी है KERC, उसमें चेयरमैन रहता है, मेंबर्स रहता है, वो जो है ना वो हमारा इसका जस्कॉम हो या दसकॉम हो उसका कितना है? हमको इतना ही पता है, नोबडी इज अबो द गवर्नमेंट विच एवर अथॉरिटी इट इज। तो सिद्धरामैया साहब का जो बोलना है कि गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग इन इट, तो ये गवर्नमेंट हेल्पलेस हो तो पब्लिक किसके पास जाए? जब गवर्नमेंट अपने आप को हेल्पलेस बोल रही है तो जनता किसके पास जाना है? जनता आके आपके पास ही खड़ी रहेगी, ऑफिसर्स के पास खड़ी रहेगी। तो ये हमारा रिक्वेस्ट ये है, उनको ही हमारा रिक्वेस्ट ये है, अभी जो अधिवेशन स्टार्ट हो रहा है ये अधिवेशन में आप लोग भी फोर्स कीजिए जनता की तरफ से। नहीं मैं आप जो ये दिया ना सर, हम कर्नाटक किसान सभा के साइड से आपको हम दिए है, जो कि मीटरिंग का अभी आप मेरे को काफी अच्छा क्लियर कर दिए कि भाई जो किसानों के लिए आधार लिंक हो रहा है इट इज नॉट गोइंग टू बी कनेक्टेड विद मीटरेज एंड ऑल, इट इज क्लियर। लेकिन जो अभी जो चार्जेस जो हाई करे हैं डोमेस्टिक के लिए या कॉमर्शियल के लिए और इंडस्ट्रियल के लिए, इट इज ऑलमोस्ट लाइक पीपल आर अबाउट टू क्लोज देयर बिजनेस। या तो आप लोगों को बेरोजगार करेंगे या पावर बिल कम करेंगे, या आप लोग को डिसाइड करना है सर। ये तो सरकार का निर्णय है। ठीक है सर, थैंक यू, आप टाइम दिए हम लोगों के लिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। This video presented by Bakers Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga.